आपने पूरा जो जीएसटी किया था, हमने हर एक चैप्टर के साथ जीएसटी एमसीक्यू करवाया हुआ है, सही बात है या नहीं? ये जीएसटी एमसीक्यू का हमारा पर्पस क्या है, पर्पस क्या था ये सारे जीएसटी एमसीक्यू रिवीजन का था? जब आपने जीएसटी एमसीक्यू किया तो कि जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे हर एक चैप्टर के, उसके हमने एमसीक्यू बनाए हुए थे, क्या वो रिवाइज हो रहे थे या नहीं हो रहे थे? हमने कोई भी टॉपिक छोड़ा था, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, हर एक एमसीक्यू बनाया हुआ था, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। अब मुझे एक बात बताइए, अगर एक एमसीक्यू वो होता है जो मार्केट में मिल रहा है, उसमें मिक्स होता है और बहुत सारे टॉपिक्स के एमसीक्यू नहीं होते, लेकिन ये एमसीक्यू मेरे खुद के बनाए हुए हैं, उसमें हमने ये ध्यान रखा है कि जो भी हम लोग पढ़ाए उसके बाद रिवाइज कैसे करें। मैं एक आपको बड़ा क्वेश्चन दे दूं, डायरेक्ट क्वेश्चन, उसके बेसिस पे रिवाइज करूं, या इससे अच्छा एमसीक्यू दे दूं? तो ये जो एमसीक्यू है आपके एग्जाम में आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर ये एमसीक्यू हो जाता है आपसे, उसका आंसर निकल जाता है, इसका मतलब जीएसटी आपको वाकई में आता है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है? आपको याद भी होगा। तो जीएसटी एमसीक्यू मैं आपको दिखलाऊंगा, आप कहने के लिए है जीएसटी एमसीक्यू नहीं आता, मैं आपको दिखलाऊंगा जीएसटी एमसीक्यू सीएस प्रोफेशनल लोग किस तरह से पूछते हैं। इसके बाद, और जीएसटी एमसीक्यू सीएस प्रोफेशनल में, सीए में तो आता ही है, सीएमए में भी आता है, लेकिन सीएस प्रोफेशनल में सिर्फ कहने के लिए नहीं आता है, लेकिन एक्चुअली में है, मैंने देखा है। जीएसटी केस स्टडीज, ये केस स्टडीज क्या होता है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, उसके फिर 5-6 पॉइंट्स बना के वो एमसीक्यू टाइप से पूछते हैं, ये सिर्फ सीए फाइनल में आता और कहीं नहीं आता। तो इसको, इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं अभी, इसके ऊपर हम लोग वर्क कर चुके हैं। जीएसटी थ्योरेटिकल क्वेश्चन, अब देखिए इसके बारे में, जो जीएसटी थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं या तो वो डायरेक्ट होंगे, जैसे लिख देगा व्हाट इज टैक्सेबल सप्लाई, व्हाट इज सप्लाई, एन्यूमरेट द पॉइंट्स गिवन इन शेड्यूल 1, व्हाट आर नॉट सप्लाई, इस तरह से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, जो प्रोविजंस लिखा वो एज इट इज आपको उतार देना है। तो दीज आर द डायरेक्ट क्वेश्चन, किस किस चैप्टर से होंगे, पूरा लेवाई एंड कलेक्शन, यानी जीएसटी वॉल्यूम 1 जो आप देख रहे हैं, शुरुआत से लेकर लेवाई एंड कलेक्शन तक वो सारा थियोरटिकल है, रिवर्स चार्ज ये सब, रजिस्ट्रेशन रिटर्न सब आ सकता है ना, और मिनी मोड करेक्ट है, और जीएसटी वॉल्यूम 2 के भी अपील्स एंड रिविजन्स रिफंड, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, तो बहुत पूरा का पूरा आ सकता है। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन को बनाने में कोई कलाकारी नहीं है, उठाएंगे लिख देंगे, सही बात नहीं है। और ऐसे क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में, अभी पढ़ेंगे, लेकिन इसी थ्योरेटिकल क्वेश्चन के बेसिस पे स्मॉल केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन डाल दें, जैसे इतने तारीख को सप्लाई किया, इतने तारीख को पैसा मिला, तो किस डेट को वो जीएसटी जमा करवाएगा, किस डेट को वो रिटर्न फाइल करेगा, एक मिस्टर एक्स है, फिर एक मिस्टर वाई है, इसका स्टेटस लिख दूंगा, ये इंडिविजुअल है, ये मिस्टर वाई मान लीजिए कंपनी है, ये इसको सप्लाई करता है सिक्योरिटी सर्विस, तो क्या, और अमाउंट इतना लिख दूंगा, रेट लिख दूंगा, ये दिल्ली में है, ये कर्नाटका में है, और मैं कहूँगा टैक्स निकालो, तो आपको रिवर्स चार्ज देखना होगा, और फिर प्लेस ऑफ सप्लाई देखना होगा, आई लगेगा या C+S लगेगा, तो इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, नहीं हो सकते, स्मॉल केस स्टडी टाइप के, तो बहुत चैप्टर्स में हो सकते हैं, रिवर्स चार्ज, IGST, टाइम ऑफ सप्लाई, अपील्स, डिमांड, हमने कुछ कुछ बनाया है, लेकिन हर एक चैप्टर में इस तरह से स्मॉल केस स्टडीज टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, सही बात है या नहीं है? ठीक है, अब फिर जीएसटी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, जहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप करवाते हैं या नहीं करवाते, सर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किस चैप्टर से आएगा? तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो ये चैप्टर से जहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, जैसे पेमेंट ऑफ टैक्स, मैं आउटवर्ड सप्लाई लिख दूं, इनवर्ड सप्लाई लिख दूं, वैल्यू लिख दूं, रेट लिख दूं, वैल्यू लिख दूं, रेट लिख दूं, और आपको फिर एडजस्ट करने के लिए बता दूं, और आपको निकालना पड़ेगा, डेटा को मैं और रॉ कर दूं जिसमें रिवर्स चार्ज भी डाल दूं,
तो डेटा और रॉ हो जाएगा, तो उस तरह के क्वेश्चंस, पेमेंट ऑफ टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट के आइटम लिख दो, मोटर कार खरीदा, फूड एंड सब कर दिया, और कई तरह के क्वेश्चंस बना सकता हूँ आईटीसी में, है ना। मंथ लिख दूंगा, इस डेट का इनवॉइस एलिंग मिला इस मंथ को, और मैं क्वेश्चन में लिख दूंगा सितंबर मंथ का आईटीसी निकाल लीजिए, बन सकता है, नहीं बन सकता। फिर वैल्यूएशन के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जहां पर डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट ले आऊंगा, मेरा खर्चा कोई और बियर कर रहा है वो वाला कॉन्सेप्ट ले आऊंगा, तो वैल्यूएशन के भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बन जाएंगे। एग्जेम्पशन फ्रॉम सर्विसेज, 10 घंटे से ज्यादा हमने इस पर डिस्कस किया है, मोर देन 10 आवर्स, और इस पे तो सीएससीएस सीएमए जम के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिख देते हैं, ये सर्विसेज सप्लाई किया, ये सर्विसेज सप्लाई किया, ये अब आपको ढूंढना है एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल, और उसमें रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट डाल दूंगा तो पता लगेगा टैक्सेबल तो है लेकिन कोई और देगा टैक्स, तो वहां तो इस तरह के कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ चैप्टर के साथ मिक्स करके भी बना सकते हैं। रिफंड के 89.4, 89.5, इसके हमने कई सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए हैं आपके साथ, और 10 घंटे से ज्यादा इस पर डिस्कशन भी है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, टीडीएस, टीसीएस, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन स्कीम का भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, और एग्रीगेट टर्नओवर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है। मैं लिख दूंगा ये आउटवर्ड सप्लाई इसका है, ये इनवर्ड सप्लाई इसका है, ये एक्सपोर्ट है, ये इंट्रा है, ये इंटर है, एग्रीगेट टर्नओवर निकालिए, ठीक है। तो अब आप जो देख रहे हैं ये यहां पर इतने तरह के क्वेश्चंस, और आपके एग्जाम में हर तरह के क्वेश्चंस है, सिर्फ केस स्टडी को छोड़ के, सिर्फ केस स्टडी को छोड़ के, सही बात। ये ओल्ड है, प्रोफेशनल डेवलप प्रोग्राम एग्जामिनेशन, दिस इज ओल्ड, ठीक है। इसको देखते हैं आप, सिर्फ जीएसटी के क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग, ये देखिए। Explain with reference to the provisions of CGST Act 2017 whether the following transaction of services provided by different persons shall be subjected to levy of GST. Government of Rajasthan has provided technical services to ABC Limited of Jaipur in the month of February against a consideration of 75,000. The turnover of ABC Limited in financial year 2017 was 18,50,000. मुझे एक बात बताइए, किस तरह का क्वेश्चन है? डायरेक्ट क्वेश्चन लग रहा है आपको या न्यूमेरिकल क्वेश्चन लग रहा है? ये बेसिकली स्मॉल केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है ये किस क्या निकालने के लिए कह रहा है? फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस शैल बी सब्जेक्टेड टू लेवाई ऑफ जीएसटी, जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, बेसिकली लेवाई एंड कलेक्शन का है। कौन सा चैप्टर से आप पता लगाएंगे बताइए, किस चैप्टर का है? अरे कह दीजिए, सबसे पहले कौन सप्लायर कौन है पहले ये बताइए, सप्लायर कौन है, हु इज सप्लायर, जल्दी बताइए सप्लायर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है, रिसिपिएंट कौन है? एबीसी लिमिटेड है, क्या याद आ रहा है बताइए, क्या याद आ रहा है? आरसीएम, और क्या याद आ रहा है, और क्या याद आ रहा है? अब एक बात बताइए, आरसीएम तो ठीक है लेकिन ये जब तक टैक्सेबल सप्लाई होगा तभी तो आरसीएम लगेगा, एग्जाम सप्लाई में तो आरसीएम लगता नहीं है, हाँ या ना? अब ये टैक्सेबल सप्लाई तब होगा जब इसका एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 20 लाख, और ये 18,50,000 है, एक्सीड नहीं कर रहा है तो ये एग्जेम्प्ट सप्लाई है, आरसीएम का तो मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ये स्मॉल केस स्टडी टाइप का है,
अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरसीएम गवर्नमेंट सप्लाई पे आरसीएम लगेगा नहीं लगेगा, तो आप चार लाइन फटफट लिख देंगे। और इसमें दो कॉन्सेप्ट को मिला के है, हाँ या ना? इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको इनकम टैक्स में या जीएसटी में अच्छे नंबर चाहिए तो आपको प्रोविजंस याद करने पड़ेंगे। अब जैसे याद कर लेंगे तुरंत अप्लाई हो जाएगा, नहीं तो अप्लाई नहीं होता। तो बेसिकली ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड। नाउ जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज अवार्डेड ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सिटी रोड्स टू पीक्यूआर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। बताइए जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का स्टेटस बताइए क्या है ये? जल्दी बताइए। लोकल अथॉरिटी है और इसको कंस्ट्रक्शन दिया गया है पीक्यूआर कंस्ट्रक्शन। और पढ़ लेते हैं। हाउएवर पीक्यूआर कंस्ट्रक्शन कुड नॉट कैरी आउट द वर्क एंड फेल्ड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट एज पर टर्म्स एंड हैड पेड द अमाउंट ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस टू जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिसंबर अमाउंट ऑफ दिस। बताइए पहले तो मैं ये सोच रहा था कि एग्जेम्प्ट सप्लाई है क्या, सीरियल नंबर 3 और 3A प्योर सप्लाई कंपोजिट सप्लाई जहां पर गुड्स अप टू 25% है, लेकिन ये क्वेश्चन यहां तक पहुंचा ही नहीं। वो ये क्वेश्चन यहां पर पहुंचा लिक्विडेटेड डैमेजेस। अब याद कीजिए एग्जेम्प्शन में, अगेन एग्जेम्प्शन है ये, सीरियल नंबर 68 है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहां पर है ये क्वेश्चन लिक्विडेटेड डैमेजेस का। और लिक्विडेटेड डैमेजेस पेड टू गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज एग्जेम्प्ट, चेक कीजिएगा, ये भी एग्जेम्प्ट सप्लाई है। अगेन केस स्टडी बेस, स्मॉल केस। एक्स वाई जेड हैड मेड ए पेमेंट ऑफ 80 लाख टू बिहार गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ असाइनमेंट ऑफ राइट्स टू यूज मिनरल्स इन स्टेट ऑफ बिहार। बताइए सप्लायर कौन है? स्टेट गवर्नमेंट। रिसिपियंट कौन है? एक्स वाई जेड लिमिटेड। ये इसको 80 लाख दे रहा है। है ना? 67 एंट्री नंबर। ओके एक्स वाई जेड, ये वाला बताइए, ये वाला रिवर्स चार्ज में देगा ये टैक्स एक्स वाई जेड, हाँ या ना? तो ये टैक्सेबल सप्लाई है, ये टैक्सेबल सप्लाई। इसका टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ नहीं है, 80 लाख दे रहा है तो हो गई, मान के चल रहा हूं। तो ये जो पहला जीएसटी का क्वेश्चन था, क्वेश्चन 3A 2 और 1 पांच नंबर का स्टडी बेस्ड है, 3 का ए पार्ट। बी पार्ट देखिए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स इन द कॉन्टेक्स्ट विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ कंटेंट। एग्रीगेट टर्नओवर के बारे में लिखिए और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के बारे में लिखिए, कोई भी लिख देगा, कोई दिक्कत? इसके बाद देखिए ये चैरिटेबल ट्रस्ट है रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA, ये इनकम रिसीट दे रहा है और ये इनकम रिसीट है, आपको टैक्सेबल सप्लाई ऑफ निकालना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये जीएसटी का, हमने आपको बताया न्यूमेरिकल क्वेश्चन में एग्जेम्प्शन फ्रॉम सर्विसेज का आता है। देखिए क्या पूछ रहा है ये, रेंटिंग ऑफ रूम चार्ज, याद है ना आपको? मुझे याद नहीं है, आप याद करके ये सारा लिख लीजिएगा। और इन्होंने चैरिटेबल ट्रस्ट का जो सीरियल नंबर 1 है वहां से तो क्वेश्चन उठाया ही नहीं। 500 रुपया पर डे, 1500, 1000 की लिमिट है 1000 की, लेकिन एग्जैक्ट चेक कर लीजिएगा, लेस देन 1000 या अप टू 1000 है। कम्युनिटी हॉल 10000 की लिमिट है, मुझे याद आ रहा है। बिजनेस शॉप से 10000 की लिमिट है। और यहाँ देखिए ये एनुअल फिगर दिया हुआ है, यहाँ मंथली फिगर दिया हुआ है, तो मंथली फिगर के बेसिस पे या पर डे के बेसिस पे एग्जेम्प्शन है, एग्जेम्प्शन की लिमिट है, सही बात? पांच नंबर पर। अब आप देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 3 में ये केस स्टडी बेस्ड था,
ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन मान लीजिए लॉलीपॉप है, और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जहां पर आपको दिमाग लगाना है। सबसे ज्यादा दिमाग किस क्वेश्चन में लगाना है, किस तरह के क्वेश्चन में, इस तरह के केस स्टडी बेस्ड के क्वेश्चन। आगे देखते हैं, राज भारती लिमिटेड इंपोर्टर डिप्टी, ये कस्टम का, इसको एक बार छोड़ देते हैं हम लोग, ये आंसर आंसर दिया हुआ है, इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन फोर, एक्सप्लेन प्रोविजंस ऑफ सीजीएसटी रिलेटिंग इश्यूएंस ऑफ क्रेडिट नोट, बताइए क्रेडिट नोट के बारे में सेक्शन बता दीजिए आप। 34 लिख डालिए, 5 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ तो लिख ही डालेंगे आप, है ना। इसके बाद देखिए, ये सन मून लिमिटेड सेंट ए कंसाइनमेंट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बाय शिप, ये तो कस्टम का, इसको मैं छोड़ देता हूं। गणेश रजिस्टर्ड टू रिसीव द सप्लाई ऑफ सर्विस फ्रॉम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, आप देखिए अकॉर्डिंगली द टैक्स इज लायबल टू पेड बाय द रिसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, गणेश प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिस्पेक्ट ऑफ सच सर्विस रिसीव्ड बाय देम। अब ये लाइन नहीं भी लिखते, अकॉर्डिंगली द टैक्स इज लायबल टू बी पेड बाय द रिसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, तो कोई फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं, ये तो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से आप ले रहे हैं तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। फिर डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन दिस 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 दिस, बताइए किस तरह, कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है? मुझे लगा कि वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस पर्सनल पर्पस बिजनेस कंसिडरेशन वाला होगा, लेकिन ये है नहीं, ये बेसिकली टाइम ऑफ सप्लाई का है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस रिवर्स चार्ज सेक्शन 13। 60 डेज की लिमिट वगैरह वगैरह। अगेन या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ गया, और ज्यादातर केस स्टडी या न्यूमेरिकल है, और डायरेक्ट क्वेश्चन तो मुश्किल से 10 नंबर का नजर आया अभी तक। क्या कहते हैं, यहां देखिए 4A, सर सस्पेक्टेड, ये कस्टम का छोड़ देते हैं, यहां आइए। अल्टरनेटिव क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर फॉलोइंग पर्सन लायबल टू बी रजिस्ट्रेशन एज पर द प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट। अब एक बात बताइए, ये ए बी सी डी ई, आप क्या कहेंगे इसको, ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर फॉलोइंग पर्सन लायबल टू बी रजिस्ट्रेशन एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, यस नो के टाइप का क्वेश्चन है, और जहां पर आपको रीजनिंग भी देनी है, सही बात है या नहीं है, एमसीक्यू हो गया या नहीं हो गया एक तरह से। सचिन एन एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स ओनली, बताइए रजिस्ट्रेशन लेगा या नहीं लेगा, नहीं लेगा। सेक्शन 23, पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई एग्रीटिंग 8 लाख ओनली, बहुत चालू क्वेश्चंस बनाए हैं इसमें। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं गुड्स पढ़ूं या सर्विसेज पढ़ूं, लेकिन जब उन्होंने 8 लाख लिख ही दिया तो 10 लाख से ही कम लिख दिया, तो अगेन, और लेकिन लेकिन अच्छा अच्छा देखिए, हाँ पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट, तो मुझे जानना है गुड्स है या सर्विसेज है, नाउ आई वांट टू नो वेदर इट इज गुड्स और सर्विसेज। गुड्स होगा तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, सर्विसेज है तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। ये इंट्रा होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे गुड सर्विस जानने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इंटर है तो मुझे जानना है, सही बात है या नहीं है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन गड़बड़ है। चलिए, वेयर द टैक्स ऑन द गुड्स, where the tax on the good dealt with are payable on reverse charge basis, बताइए। नहीं अपर्णा, अभी वो उस लाइन में जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, कि क्या अगर क्वेश्चन ही गलत पूछ रहे हैं, विदाउट फैक्ट्स पूछ रहे हैं या सही फैक्ट नहीं दे रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? तो दोनों ही लिख दीजिए, क्या कर सकते हैं, दोनों ही लिख दीजिए।
लेकिन अब सोच के देखिए, एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज पर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, आप इसमें यस से स्टार्ट करेंगे या नो से स्टार्ट करेंगे, दिस इज द मेन पॉइंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ही गड़बड़ है। मैं इसमें चलिए डी पढ़ते हैं। अच्छा, इसका बताइए, वेदर टैक्स ऑन द गुड्स डी डेल्ट विद आर पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, क्या लिखेंगे इसका? यानी कि एक जीटीए है जो रिवर्स चार्ज बेसिस पर तो पे सप्लाई कर रहा है, तो इसको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत है नहीं। यहां ओनली भी वर्ड लिखना चाहिए, जैसे यहां पर तो लिख दिया ओनली, यहां भी लिख देते। जगदीश एन इंडिविजुअल हु अंडरटेक्स कल्टीवेशन ऑफ लैंड बाय द लेबर ऑफ फैमिली एंड हिज ओन लेबर फॉर प्रोड्यूसिंग पैडी टू द ट्यून ऑफ 60 लाख, बताइए कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, अगेंस्ट सेक्शन 23 में चला जाएगा, करेक्ट है? मान लीजिए ये जगदीश एन इंडिविजुअल और ये कॉटन प्रोड्यूस कर रहा होता तो जो टैक्सेबल सप्लाई है, तब रिवर्स चार्ज में चला जाता, तब भी जरूरत नहीं थी, तब भी जरूरत नहीं थी। याद रखिएगा, एग्रीकल्चरल अगर एग्जेम्प्ट है तो भी जरूरत नहीं है, टैक्सेबल है तो रिवर्स चार्ज में, ये पूरे जीएसटी लॉ में ये गांठ बांध लीजिए। रंजन ए ट्रेडर इज कमिंग टू मुंबई फ्रॉम बैंगलोर फॉर एन एग्जीबिशन, द एग्जीबिशन इज टू कंटिन्यू फॉर 7 days इन मुंबई, रंजन एक्सपेक्ट सप्लाई फॉर गुड्स ऑफ 8 lakh, बताइए रजिस्ट्रेशन करवाएगा या नहीं करवाएगा? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की तरह, हाँ या ना? चलिए अगेन, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। अनुज जल्दी बंद करो। नाउ मिस्टर अविनाश रिसीव नेट अमाउंट ऑफ दिस आफ्टर टीडीएस फ्रॉम दिस, ये टीडीएस टीसीएस का क्वेश्चन आ गया। तो हम लोग करेंगे इसको, और मैं आपको ऐसे बता दूं कि मान लीजिए 10 लाख की पेमेंट है, तो 10 लाख पे ही इनकम टैक्स का टीडीएस कटेगा और 10 लाख पे ही जीएसटी का टीडीएस कटेगा। ऐसा नहीं है कि ये इसको इंक्लूड होकर फिर इस पे, फिर ये इंक्लूड होकर इस पे, इस पे, ऐसा नहीं है। जो बेस वैल्यू उसी पे कटेगा, करेक्ट है? आगे अब 4A का बी, नहीं 4A का बी, इन्होंने क्या लिखा है देख लीजिए। थे सेक्शन 24 ऑफ सीजीएसटी प्रोवाइड्स फॉर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई, हाउएवर दिस नोटिफिकेशन कन्फर्स एग्जेम्पशन टू द सप्लायर ऑफ सर्विसेज फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन वेयर द एग्रीगेट। अब देखिए इन्होंने क्या मान लिया, इन्होंने सर्विसेस मान के क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। एक बार हम लोग दोबारा पढ़ लेते हैं, सर्विसेस कहीं भी लिखा हुआ जो हम लोग मिस कर रहे हैं, पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई, नहीं सर्विसेस नहीं लिखा, ऊपर लिखा हुआ है ब्रीफली एक्सप्लेन, ऊपर भी नहीं लिखा हुआ है। तो इन्होंने सर्विसेस मान के क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे देखते हैं। ये वो कैलकुलेशन है, इसको छोड़ देते हैं, 5 में आते हैं। ये कस्टम है, ये कस्टम है, ये स्टेट द रेट ऑफ टीसीएस, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है, कब काटेंगे कैसे काटेंगे सब डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिर ये टाइम ऑफ सप्लाई का गया 12, टाइम ऑफ सप्लाई रिवर्स चार्ज सर्विसेज वाला था सेक्शन 13, ये गुड्स वाला गया। फिर अपील वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है? तो ये इस तरह से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ये, बस और तो नहीं होगा मुझे लगता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक इनसाइट जरूर मिला होगा कि किस तरह का वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपके एग्जाम में।
और एक चीज मैं बता दूं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस और केस स्टडी, मुझे लग रहा है कि अगर ये कहा जाए कि जीएसटी डायरेक्ट क्वेश्चन से अगर 100 नंबर का पेपर जीएसटी में मान लीजिए परसेंटेज वाइज अगर करें तो इससे 30% आ रहा है, इससे 35% है, इस पे 35% है। सही बात है या नहीं है? हो सकता है ऊपर नीचे हो, लेकिन लग यही रहा है मेरे को। तो जीएसटी आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, एमसीक्यू ऑब्वियसली जो हम लोग करवा रहे हैं वो हर हालत में करें, हर हालत में। न्यू देखना चाहेंगे आप लोग? लेकिन न्यू सिलेबस में ये लोग पहले जीएसटी पूछ रहे हैं, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स पूछ रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट टैक्स है। ओल्ड में पहले ये था फिर ये था। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, ए पारी के प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी एट मुंबई इज ग्रॉस फी रिसीव फॉर द फाइनेंशियल ईयर इज 28 लाख, इज एस्टिमेटेड ग्रॉस रिसीट इज 32 लाख, ही वांट्स टू अवेल कंपोजिशन स्कीम फॉर द फाइनेंशियल ईयर, क्या वो कर सकता है या नहीं कर सकता? हाँ या नंबर जल्दी बताइए, कर सकता है? क्योंकि ये सप्लाई और सर्विसेज के लिए 50 लाख की लिमिट है। अरे कहिए तो कर लेगा। तो इसमें फिर विल ही एलिजिबल टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट? नो। कैन इश्यू टैक्स इनवॉइस? नो। बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करेगा? तो ये सब कहानियां हैं जो आप कंपोजिशन लेवाई अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो क्यों नहीं जवाब। अगेन देखिए केस स्टडी बेस प्लस डायरेक्ट क्वेश्चन भी डाला हुआ है। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना कि वो हाँ कंपोजिशन लेवाई में आएगा या नहीं आएगा। मना कर देते नहीं आएगा तब तो वो आईटीसी भी अवेल कर सकता था, टैक्स इनवॉइस भी इशू कर सकता था। सही बात है या नहीं है? अब देखिए ये सप्लायर है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करता है, जॉब वर्क अदर यूनिट्स को दे रहा है, रॉ मटेरियल परचेज करता है इतने तारीख इस डेट को इतने रुपए में, और 50% रॉ मटेरियल जॉब वर्कर को भेज देता है। हाउ मच कैन द कंपनी क्लेम एज आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज गुड्स? बताइए कितना क्रेडिट क्लेम कर सकता है जॉब वर्क में? सारा ऑल इसमें उन्होंने लिखा नहीं है ये क्वेश्चन, और थोड़ा सा एक लाइन लिख दिया डायरेक्टली टू द जॉब वर्कर फ्रॉम द प्लेस जहां से उसने खरीदा वहां पर डायरेक्टली टू द जॉब वर्कर, तब ये बनता। अब ये मटेरियल अपने यहां ले आया, जब अपने यहां ले आया उसके बाद भेज रहा तब तो मिल ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर जब भेज दिया तो वापस कब तक आ सकता है? अच्छा यहां लिखा हुआ ये देखिए 50% रॉ मटेरियल इज डायरेक्टली सेंड टू द जॉब वर्कर बाय द ओरिजिनल सेलर ऑफ गुड्स, है ना? तो अगर डायरेक्टली सेंड किया, मान लीजिए ये सेलर है और जॉब वर्कर ये है, इसको डायरेक्टली भेजा है, तब भी इसको जॉब वर्क चालान तो भेजना ही पड़ेगा, क्रेडिट ये क्लेम कर ही सकता है। हाँ या ना? याद करना बहुत जरूरी है लाइन बाय लाइन। एक बार अगर आप याद कर लेते हैं, मान लीजिए आप 3 पेज याद कर लेते हैं, तो बाकी पेजेस याद करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ये देखिए इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई पे बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब देखिए ट्रू एंड फॉल्स, अब बताइए ये एमसीक्यू है या नहीं है? है रेक्टिफिकेशन ऑफ एडवांस रूलिंग, ये हमने किया नहीं है। स्टडी ऑफ न्यूज़पेपर इन ट्रेन शैल बी टैक्स एट निल रेट ऑफ जीएसटी। अब देखिए ये क्यों पूछ रहे हैं भैया, इसका मतलब नहीं बनता है। इसलिए नहीं मतलब बनता क्योंकि सप्लाई गुड्स के ऊपर रेट क्या है ये हम लोग सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है, ये पूछ डाला इन्होंने। अब स्टूडेंट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बताया कि गुड्स के ऊपर रेट है क्या, घी अगर बेचेगा तो क्या रेट पे बेचेगा, बिस्किट बेचेगा तो किस रेट पे बेचेगा। तो दिस इज रॉन्ग, दो इट इज जीरो नो डाउट।
और निल रेट का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, जीएसटी में एग्जेम्पशन का कॉन्सेप्ट है, तो उन्होंने निल रेट क्यों लिखा है, तो क्या निल रेट पे ही तो कहानी नहीं कर रहे हैं। एक बार पढ़ें एक बार इसका आंसर। नहीं उस पर कहानी नहीं कर रहे, नहीं डरा नहीं रहा मैं आपको, देखिए मैं तो आपका स्टैंडर्ड रेज कर रहा हूं एक तरह से, नहीं और हमने आपको स्टैंडर्ड आप लोग का रेज कर दिया है। जीएसटी जिस लेवल का आपने पढ़ा है वो बहुत अच्छा लेवल है, बहुत अच्छा लेवल है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आप जब इस लेवल पे आप पहुंच के ये हम लोग बात कर रहे हैं नील रेट और एग्जम्पशन कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं करता, तो ये हमने काफी अच्छा पढ़ा है। While doing repair of furniture of a company, GST was paid on wood, board, mica, paint, etc. The amounts so paid are eligible for input tax credit. बताइए मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिल जाएगा, कब नहीं मिलेगा? कब नहीं मिलेगा? अगर कैपिटलाइज कर दे तो। है ना? तो चलिए कंस्ट्रक्शन करवा रहा तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग पे आईटीसी नहीं मिलता। और आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कि किसी भी तरह का क्वेश्चन जीएसटी में आए, अगर आपने अच्छी तरह से याद किया हुआ, समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे को भी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्टूडेंट्स याद नहीं करते, जिसके कारण वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते। अगर आप याद करेंगे तो जीएसटी का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे ये जो आपसे हो नहीं पाएगा, हर तरह का क्वेश्चन होगा। ये देखिए एग्रीगेट टर्नओवर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहा है, एग्रीगेट टर्नओवर निकली। अब मैं आपसे पूछता हूं, देखिए आप इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग जीएसटी एट द रेट ऑफ 18% एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट होगा या नहीं होगा, और होगा तो कितना होगा? होगा अब क्या 70-80 होगा या 18% माइनस करने के बाद होगा? बैक कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसका बैक कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना, बैक कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं होता। अब ये लिख रहा है कंप्यूट, अब कंप्लीट लिख दिया, कंप्यूट द एग्रीगेट टर्नओवर अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाया है ना, छोटे छोटे पॉइंट्स को दिमाग में लगा के। अब एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन ही आपको याद नहीं होगा तो आपको कहां से याद आएगा कि जीएसटी 18% माइनस करना है? कहिए, गुड्स एक्सपोर्टेड और एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स और एक्सपोर्ट टर्नओवर दिया हुआ 32 लाख, बताइए जीएसटी टर्नओवर का एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट होगा या नहीं होगा? यस, इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, बताइए एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट होगा? नहीं होगा। इनवर्ड सप्लाई रिवर्स चार्ज लगे या ना लगे एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं होता, सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई होता है। ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू ब्रांच एट दिल्ली विदाउट जीएसटी 50 लाख, देखिए ये कंपनी है कलकत्ता की, अपने ब्रांच में 50 लाख रुपए का गुड्स भेज रहा है, बताइए एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट होगा या नहीं होगा, जल्दी बताइए। अरे जल्दी बताइए, कुछ भी लिख दीजिए, यस नो कुछ तो लिखिए, फिर मैं वही है, प्रोविजन याद नहीं होगा तो कहां से याद आएगा, सेक्शन याद होना चाहिए। देखिए ट्रांसफर ऑफ गुड्स बेसिकली दिस इज ए स्टॉक ट्रांसफर टू ए डिस्टिंक्ट पर्सन शेड्यूल 1, दिस इज ए सप्लाई एंड दिस इज टैक्सेबल सप्लाई, तो ये एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट होगा, हर हालत में होगा। फिर इसमें वैल्यूएशन रूल्स भी लगेंगे, इसमें मैं वैल्यूएशन रूल्स लगा दूं, इसमें लिख दूं तो और क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा, है ना। अब आगे जोगीराम प्राइवेट लिमिटेड क्लेम आईटीसी ऑफ 2,50,000 विद एन इंटेंशन टू डिफ्रॉड द रेवेन्यू, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, बताइए बताइए, गलत आईटीसी क्लेम करने पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% है या 24% है? 24 है।
5 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत सारा कुछ पूछा हुआ है। तो ये हम लोग अभी डिमांड रिकवरी ये सब करेंगे तो आपको पता लगेगा। स्टेट वेदर द फॉलोइंग सप्लाई गुड्स एज पर जीएसटी लॉ विद ब्रीफ रीजंस। आप देखिए ये एमसीक्यू टाइप का है, सप्लाई है या नहीं है। मिस्टर एक्स अवेल्ड आर्किटेक्चरल सर्विसेज ऑफ द सम लिविंग इन फ्रांस फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर डिजाइनिंग हिज रेजिडेंशियल बिल्डिंग एंड फैक्ट्री लेआउट। बताइए इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम ए रिलेटिव फॉर पर्सनल पर्पस। सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी नहीं है, याद कीजिए याद। स्क्रैप ऑफ मशीनरी डिस्ट्रॉयड बाय फायर, अरे मशीनरी डिस्ट्रॉयड बाय फायर हैंड ओवर टू इंश्योरेंस कंपनी फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम। स्क्रैप ऑफ मशीनरी डिस्ट्रॉयड बाय फायर इंश्योरेंस कंपनी को दिया गया फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम। इट इज अ सप्लाई, यस इट इज अ सप्लाई। लीज ऑफ लैंड फॉर टू व्हीलर पार्किंग स्टैंड सप्लाई। परमिटिंग यूज ऑफ रजिस्टर्ड पेटेंट फॉर एनुअल फी सप्लाई। ट्रांसफर ऑफ टेनसी टाइप एग्जीक्यूटिंग दिस इज आल्सो सप्लाई। का मतलब मैंने क्या बताया था बताइए, इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है इतना पढ़ने की। सप्लाई का मतलब क्या बताया था, एक ए है एक बी है दोनों में कॉन्ट्रैक्ट है, ये इसको कुछ देगा ये इससे कुछ पैसे लेगा, सप्लाई है काम खत्म। और कुछ डेफिनेशन उफिनेशन तो बाद में आता है, सप्लाई इंक्लूड्स। लेकिन व्हाट इज सप्लाई, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पर्संस जहां पर एक सप्लाई एक कुछ देगा दूसरा कुछ लेगा। क्विड प्रो क्यो होना चाहिए, बहुत सिंपल है। अगर क्विड प्रो क्यो नहीं है तो शेड्यूल 1 में जाके सप्लाई बन जाएगा। सही बात है या नहीं है। फिर क्या पूछ रहा है, भारत लिमिटेड एडवाइज द आईटीसी, अगेन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन एक भी नहीं मिला, सारे केस स्टडी बेस मिले। सही बात। अब देखिए मशीनरी रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यूटिलाइज इन मैन्युफैक्चर मिल जाएगा, ट्रक्स मिल जाएगा, फूड नहीं मिलेगा, खत्म। इसमें कहां दिमाग लगाने का क्वेश्चन, 5 नंबर फ्री का है। क्या कहते हैं